नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी देखा जाए तो प्रोटेस्ट का बहुत ज़्यादा असर रेलवे भर्ती बोर्ड पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे वो लगातार ही वैकेंसीज पे की बात करें या फिर नोटिफिकेशन की बात करें, एक से एक लगातार वो अपडेट दे रहे हैं। अभी सुबह मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने टेक्नीशियन के पद के लिए जिक्र कर दिया है, इन्होंने एक और वैकेंसी जो आरआरबी एएलपी की है, ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम दोबारा से इसमें वैकेंसी बढ़ाएंगे, लेकिन अब इनका कहना है, इन्होंने एक साइन दे दिया है कि हर साल एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी और इन्होंने एक टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया है कि भाई उसकी भी वैकेंसी आ रही है। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो अभी आपका चल रहा है इस समय, आप जिसका आवेदन कर रहे हैं एएलपी 2024 यानी कि सीईएन 2024 की बात किया जाए तो उसकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है और मैं आपको एक एक जानकारी इसमें बताता हूं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और टीम परीक्षा प्लस आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सभी की बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी करवा रही है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके कोर्स से भी जुड़ सकते हैं मात्र 499 रुपए में, अभी बहुत कम प्राइस में ये चल रहा है। अभी देखा जाए तो ये तो कल रात की है 29, अभी आज 30 में लगातार दो इन्होंने दिया एक दो टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर सीईएन 2024। इनका टाइमलाइन क्या है आप देख लो कि आपकी एग्जाम डेट कब है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखो कि सीएन 2024 का टेंटेटिव टाइमलाइन, इन्होंने टाइमलाइन में क्या दिया है कि ये जो आपका 19 तारीख से आपका फॉर्म जो चालू हुआ है उसका एग्जाम डेट है वो जून और अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब जून से लेके अगस्त में, जून जुलाई अगस्त इन तीन महीने में किसी एक महीने में आपका क्या करा सकते हैं, ये पेपर करवा लेंगे। उसके बाद जो सीबीटी 2 होगा ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपका सितंबर में, इन्होंने इसके लिए पर्टिकुलर मंथ बताया सितंबर। सीबीटी 1 के लिए हो सकता है जून हो सकता है जुलाई हो सकता है अगस्त हो, लेकिन ये सितंबर में सीबीटी 2 है। और इसके बाद जो आपका सीबीएटी है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हो, वो आपका नवंबर में करवा लेंगे। और सबसे लास्ट में इन्होंने एप्टीट्यूड शॉर्टलिस्ट और डीवी जो हो जाएगा वो नवंबर दिसंबर में करवा लेंगे। मतलब ये जनवरी में क्या कर रहे हैं, जनवरी में आपको यहां पे पोस्टिंग देने का पूरे मूड में है आरआरबी वाले। अगर ऐसा हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, पद तो कम ये दिए, लेकिन अगर ये फिर से जो इन्होंने नोट लिखा है द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एलपी इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इश्यू इन जनवरी 2025, मतलब जिस प्रकार जनवरी 2024 में लगभग 5700 पदों पे निकाले हैं, ऐसे ही अगर देखा जाए तो जनवरी में भी ये फिर से निकाल देंगे एक साइकिल पूरा होने के बाद। तो ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो कि भाई 5 साल आप लगातार वैकेंसी देने के ना देने के बाद आप लगातार 20-25 हज़ार दो, 30 हज़ार दो, उससे अच्छा आप 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार हर साल देते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कोई ओवर एज का तो सीन नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, अब देखते हैं कि आरआरबी ने जो ये हमारी बातें रखने के लिए, जो हमें बहलाने के लिए, हमारा दिमाग हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए सारी बातें कही हैं, इस पे कितना खरी उतरती हैं। और मैं चाहूंगा कि आरआरबी अपनी बातों पे खरी उतरे। हालांकि अभी अब आप सब कुछ बोल के जो आप अभी फॉर्म का आवेदन कर रहे हो, जो कर चुके हो, सभी लोग जून मान के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। आप तैयारी टीम परीक्षा प्लस से जुड़ के कर सकते हैं, परीक्षा प्लस पे ये बहुत बेहतरीन ही कोर्स चलाया जा रहा है। मैं अगर आपको यहां पे दिखा दूं तो ये जो आपका कोर्स है जो परीक्षा प्लस पे आपका चलाया जा रहा है, इसे आप देख सकते हो 499 मात्र में एएलपी जो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों इसमें है, आरआरबी एएलपी प्री प्लस मेंस, मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों इसमें कराया जाएगा। ये मात्र 499 में अभी आपको मिल जाएगा, 1599 का बैच केवल आपको 499 मिल जाएगा, ठीक है, आरआरबी एएलपी प्री प्लस मेंस। इसके साथ ही आपका जो टेक्नीशियन होगा उसके लिए भी अलग से बैच नहीं लेना है, आप इसी बैच से परचेज करके इसी बैच से जुड़ सकते हो। और आपका जो अन्य जो आने वाली जो 2025 में है उसकी बातें तो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन आप अगले चरण की भी तैयारी आज से ही करते रहो कि कोई एक दो नंबर से अगर चूक भी जाता है तो वो अगली वैकेंसी में सबसे पहला नंबर उसी का हो सिलेक्शन होने के लिए। तो मान के चलो कि हर साल जनवरी में वैकेंसी आनी है तो तैयारी अभी से करनी होगी, अब पूरा ध्यान आप लोग इस तैयारी में लगा दो। बाकी अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है परीक्षा प्लस ऐप की, वहां से जुड़ के आप परचेज कर सकते हो, ऑफर में 499 ये मिल रहा है। और अगर इसके अतिरिक्त आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आप टीम परीक्षा प्लस से अवश्य जुड़े। टीम परीक्षा प्लस के सारे अध्यापक जो आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद ही इंजीनियर हैं, खुद ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है वो पूरा का पूरा इंजीनियर्स का मिलने वाला है। तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी यहां पे, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे फिर आपका साइंस हो या फिर बेसिक इंजीनियरिंग हो, सारे ही पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहां पर कराया जाना है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।